महादेव सट्टा ऐप का संचालन करने वाले सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। दुबई की पुलिस और स्थानीय फोर्स के साथ मिलकर सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकर से जुड़ी हर डिटेल इंटरपोल को दी थी। 7 दिन के अंदर भारत लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद इंटरपोल के अफसर ने भारतीय विदेश मंत्रालय को खबर दी है, अब सौरभ चंद्राकर को भारत और फिर जल्द ही रायपुर लाने की तैयारी की जाएगी। इसके लिए दस्तावेजी काम अफसर जल्द से जल्द निपटा रहे हैं। वहीं इस मामले में विधायक राजेश मूड़त ने कहा कि सरकार लगातार महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ मुहिम में जुटी हुई है। जो लोग इसे बैक सपोर्ट के तौर पर संचालित करते थे, छत्तीसगढ़ का पुलिस विभाग सक्रियता से काम कर रहा है। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के सरकार लगातार उस अभियान में भिड़ी हुई है जो इसके पीछे बैक सपोर्ट होकर के संचालन करते थे, और उसके अंदर चाहे वो सौरभ चंद्राकर हो, चाहे वो पिल्ले हो, चाहे अन्य कई लोग हैं, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ का पुलिस विभाग लगातार सक्रियता के साथ में काम कर रहा है। उसके सरगना की गिरफ्तारी दुबई में हुई है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा है, और भी उसमें जितने लोग इन्वॉल्वमेंट हैं उन सबके ऊपर कार्रवाई लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रहेगी।